आज की दोस्तों इस बेहद ही खास वीडियो में यार मैं आपसे दुनिया के बेहद ही ज़्यादा शानदार और बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत कॉन्टिनेंट यूरोप के बारे में बात करूंगा, जिसे पूरी दुनिया के एक ऐसे कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है जहां पर ज़्यादातर लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहद ही ज़्यादा कमाल का है और नेचर ने यार इस कॉन्टिनेंट को सही में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरती भी बख्शी है। ये बेहद ही खूबसूरती से भरा हुआ शानदार सा कॉन्टिनेंट दोस्तों कुल मिलाकर 1,01,80,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस तरीके से दोस्तों ये पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बनता है एरिया के हिसाब से। और इसके अलावा वहीं अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की आज के दिन पॉपुलेशन 74 करोड़ और 26 लाख को पार कर चुकी है। और इस तरीके से दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से ये कॉन्टिनेंट आता है यार पूरे वर्ल्ड में नंबर 3 पर। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में वैसे तो आपको बहुत सारी कमाल की लैंग्वेजेस बोलते हुए लोग नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर बेहद ही ज़्यादा कॉमन लैंग्वेजेस हैं रशियन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, स्पेनिश, पोलिश, यूक्रेनियन, रोमानियन और डच के साथ साथ टर्किश। इसके अलावा ग्रीस की तरफ काफ़ी सारे लोग यार ग्रीक भाषा का भी हाई लेवल पर यूज़ करते हैं। यहाँ के अधिकतम देशों में आपको यूरो करेंसी चलती हुई ही नज़र आएगी और यहाँ का एक यूरो इंडिया के लगभग यार 88 रुपये के बराबर है। वहीं अगर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पूरे यूरोप में आपको पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में देखने को मिलेंगे सिर्फ 73 लोग, यानी भीड़ भाड़ की समस्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा कम है। तो चलिए यार देर किस बात की, जानते हैं इस बेहद ही शानदार से कॉन्टिनेंट को बिल्कुल करीब से, बिल्कुल अंदर से। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और साथ ही यार कोल्ड ड्रिंक अभी से तैयार रखो। आज के दिन इस पूरे खूबसूरत से लगने वाले कॉन्टिनेंट पर दोस्तों आपको कुल मिलाकर 44 बेहद ही ज़्यादा शानदार देश देखने को मिलेंगे, जिनमें से दोस्तों एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है रशिया। और ये देश तो यार पूरी दुनिया का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश भी है, जिसके चलते इसकी कुछ एरिया तो आपको एशिया कॉन्टिनेंट पर भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूक्रेन, पुर्तगाल और स्वीडन जैसी कमाल की खूबसूरत कंट्रीज भी आपको यूरोप कॉन्टिनेंट पर देखने को मिलेगी। और यार नॉर्वे, आइसलैंड को हम कैसे भूल सकते हैं, ये दो देश तो यूरोप की असली शान है। यूरोप दोस्तों पूरी दुनिया का एक ऐसा यार कमाल का कॉन्टिनेंट है जहां पर आपको हर तरह की खूबसूरती वाला देश देखने को मिलेगा। अगर आपको नेचुरल ब्यूटी पसंद है तो नॉर्वे, आइसलैंड जैसे देश आप ही के लिए हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा मॉडर्न देश चाहिए तो जर्मनी, फ्रांस ये देश आप ही के लिए बने हैं। और जर्मनी की तो यार क्या ही कहने, वहाँ की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बड़ी ही फेमस है। और स्विट्जरलैंड जिसे यार पूरी दुनिया की जन्नत की कंट्री भी कहा जाता है, वो यहाँ की बहुत बड़ी तरीके से शान है। स्विट्जरलैंड में हर साल बहुत सारे लोग हनीमून मनाने के लिए भी पहुँचते हैं। यूरोप को हिस्ट्री का दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि एक समय इसके यूके ने आधी दुनिया पर तो कब्जा किया ही हुआ था। और इसके अलावा फ्रांस और स्पेन ने भी यार दुनिया के काफ़ी सारे हिस्सों पर राज किया है। प्रेजेंट टाइम की ही बात करें तो आपको हर इंडेक्स में सबसे ऊपर, सबसे टॉप करती हुई यूरोपियन कंट्री सी यार नज़र आएंगी। फिर चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें या फिर एसटीआई के इंडेक्स की ही बात क्यों ना कर लें, हर जगह आपको नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी जैसी कंट्रीज टॉप करती हुई यार नज़र आ जाएंगी। इन सभी चीज़ों में यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा बेस्ट कंट्रीज आपको वर्ल्ड में कहीं मिलेंगी नहीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की ही बात करें तो यहाँ पर आपको टॉप 7 लगातार जो कंट्रीज देखने को मिलेंगी वो यूरोप की हैं। और इसके अलावा दोस्तों 10वें नंबर की कंट्री भी उस इंडेक्स में आपको यूरोपियन ही देखने को मिलेगी, और टॉप की कंट्री है फिनलैंड। इसके अलावा एसटीआई के इंडेक्स में भी आपको जो टॉप करती हुई कंट्री देखने को मिलेगी वो है नॉर्वे। मानवता के लिए, ह्यूमंस के लिए दोस्तों यूरोप को रहने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉन्टिनेंट कई बार बताया जा चुका है, क्योंकि ना ही तो यहाँ पॉल्यूशन की समस्या है और दोस्तों क्लाइमेट भी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहता है। हालांकि काफ़ी सारी कंट्रीज में ठंड तो ज़्यादा पड़ती है, लेकिन यहाँ के लोग यार बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, इनकी हेल्थ को कभी ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि मेडिकल केयर अच्छा होने के चलते ये देश लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। वेनिस और रोम जैसी हिस्टोरिकल सिटीज भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों यूरोप के सभी देश ना टूरिज्म के लिए बेहद ही ज़्यादा फेमस बने रहते हैं, और कोरोना काल के समय यूरोप को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि टूरिज्म यहाँ पर पूरी तरह से बंद रहा।
अभी तक तो हमने कमाल की कई चीजें यूरोप के बारे में आपको बता ही दी हैं, लेकिन यूरोप का देश पोलैंड दोस्तों, इसने अब तक अकेले नहीं 17 नोबल प्राइजेस को अपने नाम दर्ज किया है। इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा स्मार्ट हैं। कई बड़े कुदरती नज़ारे भी आपको सिर्फ इसी कॉन्टिनेंट पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों नॉर्वे में तो गर्मी में रात के 1 बजे भी यहाँ पर आपको सूरज ऐसा दिखाई देगा जैसा इंडिया में शाम 6 से 7 बजे के करीब दिखाई देता है, और उस समय तो नॉर्वे में रात कुछ मिनटों के लिए ही होती है, और उसी समय दोस्तों रात को ही फिर से सूरज निकल आता है, और यही नज़ारा दोस्तों आपको आइसलैंड में भी देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर यार नॉर्थन लाइट्स का नज़ारा जो आइसलैंड जैसे देशों में आपको मिलेगा, वो दुनिया के किसी और देश में नहीं है। तो नेचर ने तो सही में इस देश को यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती बख्शी है, लेकिन यहाँ के लोगों ने भी ना उस खूबसूरती का पूरा आनंद लिया है, और कभी भी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए नेचर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं किया। ऑटोमोबाइल के सेक्टर के लिए दोस्तों यूरोप को बहुत ही ज़्यादा बड़ा वरदान माना जाता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल में वर्ल्ड इतना ज़्यादा आगे जा पाया है, उसका क्रेडिट सबसे बड़ा जाता है जर्मनी को, क्योंकि BMW, ऑडी, वॉक्सवैगन जैसी कमाल की कार्स इसी देश से निकली हैं, और मर्सिडीज बेंज को यार कौन भूल सकता है, वो भी जर्मनी का ही ब्रांड है। दोस्तों यहाँ के ज़्यादातर लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अमीर देखने को मिलेंगे, और यूरोप एक ऐसा कमाल का कॉन्टिनेंट है जहाँ पर गरीबी की दर सबसे कम देखने को मिलेगी, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ की ज़्यादातर कंट्रीज़ की पॉपुलेशन यार काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसके चलते अगर बहुत सारे लोग यहाँ काम ना भी करें तब भी गवर्नमेंट उन्हें हर मंथ इतना पैसा तो फ्री में ही दे देती है, जिससे वो अपना खर्चा चला पाएँ, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा अमीर बनी रहती है टूरिज़्म इंडस्ट्री के चलते भी। यहाँ के लगभग सभी देशों में आपको लिटरेसी रेट 97% से लेकर 99% तक देखने को मिलेगा, और इसी से यार आप समझ ही सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट कितना ज़्यादा हाईली एजुकेटेड बन चुका है। वैसे तो दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर यार लड़कियों की आबादी काफ़ी कम देखने को मिलती है लड़कों के मुकाबले, जैसे कि चाइना, इंडिया, बांग्लादेश जैसे देशों में, लेकिन वहीं अगर यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर तो ज़्यादातर देश आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ लड़कियों की आबादी यार बेहद ही ज़्यादा होती है और लड़कों की काफ़ी कम, जैसे कि इस्टोनिया जैसे देशों में बहुत सारी लड़कियों को तो यार शादी के लिए लड़के नहीं मिलते, और रशिया में भी ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिलता है। इससे भी हमें समझ आता है कि यहाँ पर मानवता के लिए अधिकार कितने ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं। स्पोर्ट्स के लिए यूरोप को एक बहुत बड़ा वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि कई बड़ी फेमस खेलों की शुरुआत यूरोप के चलते ही हो पाई। आज के दिन तो वैसे पूरे यूरोप का सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल फुटबॉल है, लेकिन इसके अलावा क्रिकेट के भी आपको यहाँ काफ़ी सारे फैंस देखने को मिलेंगे, स्पेशली UK, स्कॉटलैंड और नैदरलैंड्स के लोग यहाँ पर क्रिकेट को फॉलो करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। इसके अलावा रग्बी यूनियन, रग्बी लीग, आइस हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और वॉलीबॉल के भी आपको यहाँ यार काफ़ी सारे फैंस नज़र आ जाएंगे। यूरोप के चाहे आप किसी भी देश की बात क्यों ना कर ले, यहाँ की लड़कियों को यार हमेशा से ही ब्यूटी क्वीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ टॉल भी होती हैं, और आइस तो बहुत सारी लड़कियों की ब्लू होने के चलते ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और भी ज़्यादा कमाल लगती हैं, साथ ही यहाँ की लड़कियों का फिगर किसी का भी दिल चुरा ले। यूरोप दोस्तों वैसे एरिया के हिसाब से यार उतना बड़ा कॉन्टिनेंट तो बिल्कुल भी नहीं माना जाता, यही वजह है कि पूरे पृथ्वी के एरिया का ये सिर्फ 6.8% हिस्सा ही कवर करता है, और इसके अलावा अगर हम इसकी पॉपुलेशन को ही देखें तो इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट के रूप में भी बिल्कुल नहीं जाना जाता, यही वजह है कि पूरे अर्थ की पॉपुलेशन का सिर्फ 9.7% हिस्सा ही आपको इस कॉन्टिनेंट पर यार देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये खूबसूरत और बेहद ही ज़्यादा कमाल का कॉन्टिनेंट? अगर आप इस पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ #part2Europe ज़रूर लिखना, और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए।